चलिए स्टार्ट हो गई। चलिए ये कंपोजर getcomposer.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर ये साहब जो है कुछ मैजिक करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा, कंपोजर इज जस्ट अ पैकेज मैनेजर और यू कैन सी कि जी डिपेंडेंसी मैनेजर है। अगर आपके स्क्रिप्ट में या कोड में अगर आपको कुछ थर्ड पार्टी टूल्स या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड है तो आप उसको कंपोजर के थ्रू बहुत आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले जो इसका ऑल्टरनेट था वो आपके पास पीयर क्लासेस थी या फार PHAR पैकेजेस थे, ठीक है, या फिर एक और पैकेज मैनेजर पैकल के नाम से PHP का। तो इन सबसे फिर एक और था जो इससे पुराना था, बल्कि पीयर क्लासेस थी या फिर जो पीयर लाइब्रेरीज या पीयर पैकेजेस थे, ठीक है, इन सब के ऊपर जो है वो अब यूज होता है कंपोजर, जो कि इन तीनों की निस्बत आसान भी है और काफी फायदेमंद भी है। ठीक है, वो किस तरह से वो भी हम देख लेते हैं। कंपोजर बेसिकली अब आप हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए कंपोजर चाहिए, इसके अलावा कंपोजर से हमारा ऐसे कोई खास ताल्लुक पड़ेगा नहीं। अच्छा, कंपोजर से इंस्टॉल करने के लिए इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, अब आप यहाँ से पहले कंपोजर डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली हम विंडोज के ऊपर हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कंपोजर सेटअप डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक दफा। चलिए डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपने सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना, लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जिस तरह आप एक विंडोज के ऊपर सिंपल एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। इन बिटवीन जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा तो ये आपसे PHP की एग्जी फाइल का पूछेगा कि ये विंडोज के ऊपर PHP की एग्जी फाइल कहाँ मौजूद है। वो आप ब्राउज करके आप सी में, वेम्प में, जहाँ पे PHP बिन के अंदर php.exe की फाइल मौजूद होगी वो फाइल आप इसको ब्राउज करके दे दें। तो एक दफा आपने वो फाइल दे दी तो वो दैट्स इट, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। वंस आप अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लें उसके बाद आपने आना है कमांड लाइन के ऊपर। कमांड ठीक है जी। अच्छा, कमांड लाइन पे आने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने रूट वेब स्टैक के अंदर, अपाची के अंदर, एसपीडॉक्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर आपने चलानी है कमांड कंपोजर। तो पहले तो आप चेक कर लेंगे, मैंने इंस्टॉल कर लिया है तो मेरे पास ये कंपोजर की कमांड एग्जीक्यूट हो रही। जस्ट आप कंपोजर टाइप करके देख लीजिएगा तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाए, इट मीन्स गांधी कंपोजर चल रहा है आपके पास, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, कंपोजर, उसके बाद आप कंपोजर माइनस वी वर्जन कौन से यूज कर रहे हैं, वर्जन 1.0 डेव, और ये इसकी की है, ठीक है जी, ये तमाम चीजें चल रही हैं। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर करना ये है कि कंपोजर क्रिएट इसकी कमांड प्रोजेक्ट, कि मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अच्छा, प्रोजेक्ट इसकी रेपो के अंदर लारावेल, इसको पता है कि जी कहाँ मौजूद है, लारावेल स्लैश लारावेल, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी नेम देना है। लेट से मैं यहाँ पर देता हूँ माय CMS, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड करना है, लेट से मैं कहता हूँ मुझे 5 चाहिए, 5.0, तो आप स्पेसिफिकली वर्जन दे दें लारावेल का, और उसके बाद स्पेस प्रेफर डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 5.0 प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप इसको डिफॉल्ट छोड़ देंगे, बस आप इतनी कमांड लिखें, ये कमांड चाहे तो आप लिख लें, बल्कि रिकॉर्ड भी हो रही है, कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, और उसके बाद आप अपनी डायरेक्टरी या जो भी प्रोजेक्ट को नेम देना चाहें वो आप प्रोजेक्ट को नेम दे दें, लाइक मैंने यहाँ पे दी माई सी में डेट सेट। इंटरनेट आपके पास कनेक्शन इस वक्त इस्टेब्लिश हो, मेक श्योर कि आप जब इस कमांड को एग्जीक्यूट करें तो आपके पास इंटरनेट हो, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, अच्छा खासा टाइम लेगा, ये 15-20 मिनट ले लेगा, इसलिए मैंने पहले से डाउनलोड कर दिया। लेकिन ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाए इसका आउटपुट अभी आपको नजर आ जाएगा।
अच्छा जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम आगे चलते हैं। अच्छा डिफॉल्ट जो है जो लारावेल का लेटेस्ट वर्जन होगा ये उसको डाउनलोड करेगा, ठीक है। और मैंने बता दी कि अगर आपको पर्टिकुलरली कोई वर्जन स्पेसिफिकली डाउनलोड करना है तो आप वो किस तरह से करेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ अपनी डायरेक्टरी के अंदर। जी जरूर। अच्छा वापस हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, या तो आप इसको लारा कंपोजर से डाउनलोड कर लीजिए, क्रिएट प्रोजेक्ट, ये देखें कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लारावेल लारावेल ब्लॉक, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक वर्जन देना चाहें तो आप वर्जन के साथ भी इसको इस्तेमाल कर लें। चलिए एप्लीकेशन। अच्छा लारावेल 5 के लिए तो इन्होंने डायरेक्ट आपको जिप फाइल नहीं दी है, लेकिन अगर आपको इसके प्रीवियस वर्जन्स डाउनलोड करने हैं डायरेक्टली लाइक 4.2, तो ये इंस्टॉलेशन आप इसको कंपोजर से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल, वही कमांड जो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, उसके बाद आपकी डायरेक्टरी का नाम, उसके बाद वर्जन 4.2 और प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका 4.2 एक डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप कंपोजर से नहीं करना चाहते तो इन्होंने 4.2 डायरेक्ट जिप फॉर्मेट में भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप डायरेक्ट लारावेल को 4.2 वर्जन लेटेस्ट वर्जन ये कहते हैं कंपोजर से ही मिलेगा। अच्छा देखिए ये स्टार्ट हो गया, इंस्टॉलिंग लारावेल 5.2.0, लोडिंग फ्रॉम कैशे, क्रिएट प्रोजेक्ट इन माई सी एम एस PHP माइनस आर कॉपी, और ये अभी काम इसने शुरू कर दिया, बहरहाल इसको चलने दे, चलता है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट जिप डाउनलोड करना चाहें तो ये 4.2 वर्जन की जिप भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दी, आपको कंपोजर की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी लारावेल चला सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा कोई सवाल यहाँ पर, कोई परेशानी? हम 5 यूज कर रहे हैं, ठीक, जो लेटेस्ट हम यही यूज करें, जो डाउनलोड हो रहा है किसी को ही करें। अच्छा जी अब इसको चलाना है, चलाने के लिए लोकल होस्ट स्लैश CMS। अच्छा जब आप इस डायरेक्टली, ये मेरे पास डाउनलोड हुआ है, मैंने इसको नाम दिया था CMS का, ऑलरेडी डाउनलोड मैं कर चुका हूँ। अच्छा इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको डायरेक्टरी लिस्टिंग दिखाएगा, और यहाँ पर एक फोल्डर है पब्लिक का, ये आपका लारावेल 5 जो है वो, इसका मतलब है कि तमाम चीजें सही हैं और चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम ये करते हैं कि रादर देन कि हम ये इस अजीब से यूआरएल को हिट करें, हम एक इसके लिए वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमने पहले भी किया था। तो वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने के लिए यकीनन मुझे दो तीन काम करने होंगे, कौन कौन से याद है किसी को? इकबाल साहब क्या करते थे? यूजर में जाएंगे, अच्छा यूजर में कहाँ पे दम, कहाँ पे दम? कंट्रोल पैनल पे दम, कंट्रोल पैनल नहीं, कंट्रोल पैनल पे नहीं, कहाँ भेज रहे मुझे? अच्छा सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं अपने माई कंप्यूटर्स में जाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद सी ड्राइव के अंदर जाऊंगा, सी ड्राइव में अभी हम पहले वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर लेते हैं, अपाची के अंदर, अपाची के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्स्ट्रा के अंदर मेरे पास था httpd-vhost.conf, इसको मैं ओपन करता हूँ। इस जगह पे यहाँ पर वर्चुअल होस्ट में मैं एक एंट्री कर देता हूँ, जो कि हमने पहले भी एक की भी, इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ,
सिंपल ठीक है जी। वर्चुअल होस्ट इसकी एडमिन देने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट रूट होगा मेरे पास सी वेमस्टेक एस्ट्रीडॉक्स सीएमएस स्लैश पब्लिक ठीक है पब्लिक फोल्डर, और इसको मैं कह लेता हूँ मैं सीएमएस डॉट डेव ठीक है जी। और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट काम भी करता हूँ कि मैं सीएमडी एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं सिस्टम 32 में मौजूद हूँ सीडी ड्राइवर स्लैश ईटीसी, और यहाँ पे लिखा हूँ नोट पैड होस्ट। ये होस्ट की फाइल मेरे पास ओपन हो गई। इसमें मैं सॉरी 127.0.0.1 और मैं कहता हूँ cms.dev ठीक हो गया जी। इसको मैंने सेव कर दिया। वंस आपने इसको सेव कर दिया इसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं काम को। तो अच्छा ये एप्लीकेशन जो है वो पूरी डाउनलोड हो गई और इसने फाइनली अच्छा ये क्या क्या स्टेप्स लिए इसको भी मैं भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। अच्छा ये सारे काम करने के बाद मैं दोबारा से आता हूँ वेमस्टैक में, और यहाँ पर मैनेजर विंडोज मैनेज सर्वर्स और रिस्टार्ट आउट। अच्छा जी ये रिस्टार्ट हो गया आपका बाजी। इसके बाद मैं इंस्टेंट ऑफ दिस मैं लिख सकता हूँ cms.dev। ओप्स सॉरी ठीक है जी। तो ये मेरा एक वर्चुअल होस्ट भी बन गया cms.dev, और अब मुझे ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन आ गई दैट्स इट। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप प्रीवियस वर्जन्स यूज कर रहे हैं लारावेल के, एक दो छोटी छोटी चीजें मैं बता दूं फिर हम मजीद आगे चलते हैं। अगर आप वर्जन 4 या 3 यूज कर रहे हैं तो अगर आप अपनी ये कमांड लाइन पे देखें आखिर में इसने किया है राइटिंग लॉग फाइल्स, बिल्कुल आखिर के स्टेप्स अगर हम देखें इसके। इसके बाद इसने किया है पीएचपी आर्टिसन क्लियर कंपाइल्ड, पीएचपी आर्टिसन ऑप्टिमाइज जनरेट ऑप्टिमाइज्ड क्लास लोडर, और फाइनली इसने किया पीएचपी आर्टिसन की जनरेट। ये दोनों तीनों काम जो जो लास्ट में जो कमांड्स एग्जीक्यूट हुई हैं ये काम आपको खुद से करने पड़ेंगे अगर आप इसके प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं। 5 के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये फटीक हम डेवलपर एंड से हटा देते हैं, ये हम खुद ही करके दे देते हैं। ये जब ये कंपोजर्स इंस्टॉल कर रहा है तो ये सारी चीजें कर करा के इसको सेट करके दें, नहीं तो आपको करना ही पड़ता था कि पहले ये दो तीन की जनरेट, ये जो की है ये आपको डिफाइन लाजमी करनी पड़ती है। भले ये दोनों चीजें प्रीवियस कमांड्स आप एग्जीक्यूट करें ना करें, ये जो की है एप्लीकेशन की जो कि डिफाइन है आपके पास। मैं कोड भी खोल लेता हूँ एक दफा, कोड हम खोलते हैं, और यहाँ पर मेरे पास फोल्डर को किस तरह से मैंने ट्रैक किया, सी के अंदर वेमस्टैक के अंदर अपाची के अंदर एसटीडॉक्स के अंदर सीएमएस नाम का फोल्डर है। इसको आप उठाकर सिंपली ये पूरा लारावेल का कोड बेस मेरे पास आ गया ठीक है जी। अच्छा इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक फोल्डर है स्टोरेज का, रूट पे ही आपको इसके अंदर मिलेगा स्टोरेज का। इसको आपको राइट परमिशन देने पड़ते हैं अगर आपके पास इन केस घर पे ना चले या आप अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास जो स्टोरेज का जो फोल्डर है इस पे जो राइट्स हो वो 777 हो, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूशन तीनों राइट्स आपने इसको दिए हुए हो, रीड राइट के राइट्स आपने दिए हुए हो एप्लीकेशन, यानी कि 777 जो जिसको हम कहते हैं कि वो राइट्स इस स्टोरेज के फोल्डर के ऊपर लाजमी होने चाहिए। इसमें आपकी तमाम
स्टोरेज फाइल्स, और यहाँ पर एक और फोल्डर है रिसोर्सेज के अंदर व्यूज का। ये दोनों चीजें लिख लीजिए बराए मेहरबानी, स्टोरेज और आपके व्यूज, इन दोनों का आपने राइट परमिशन देनी है, या इन शॉर्ट 777 की आपने इनको परमिशंस देनी है, तो ये आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी, नहीं तो ये आपके पास एप्लीकेशन, ये तो मेरे पास आ रही है, ये नहीं आएगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये इनको विंडोज एनवायरनमेंट में आपको इसको 777 के एक्सेस नहीं देना पड़ता, लेकिन लिनक्स पे या मैक के ऊपर आपको देनी पड़ती है परमिशन। अच्छा जी, यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है कन्फिग का, इसके अंदर है एप डॉट पी एच पी, इसको मैंने ओपन किया है यहाँ पर। इसके अंदर जहां बहुत सारी चीजें डिफाइन है, एक चीज अगर आप यहाँ शुरू में गौर करें तो यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है एक एरे, और ये जो एरे नोटेशन इन्होंने इस्तेमाल की है ये पीएचपी 5.4 की है, यानी कि अगर आप प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं पीएचपी का तो वहां पर लारावेल चलेगा ही नहीं। और ये पहला स्टेप है एप डॉट पीएचपी जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डिफाइंड है लारावेल की, लाइक मेरे पास यूआरएल डिफाइन है, टाइम जोन डिफाइन है, और यहां पर मेरे पास है एक एप्लीकेशन की। जी आपकी ठीक है जी, तो यहां पर मेरे पास ये की इस जगह पे स्टोर होगी जो यहां पर जनरेट हुई है। ठीक है जी, अच्छा मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा पीएचपी सॉरी लारावेल के अंदर मेजॉरिटी, बल्कि मेजॉरिटी नहीं, अच्छे खासे काम हम इसकी कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, कोड भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम जो कि हम पहले खुद से किया करते थे अब वो इसकी कमांड लाइन के थ्रू हम प्रोसेस करेंगे। और यहां पर हमारे पास एक टूल हमें अवेलेबल है, मैं जाता हूँ CDCMS और इस टूल का नाम है PHArtisan। अच्छा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इससे पहले आपको PHP लिखना पड़ेगा, क्योंकि PHP की ही बेसिकली ये फाइल है, लेकिन ये Artisan जो लारावेल फ्रेमवर्क का एक बहुत मेन पार्ट है, अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये आप मुझे कमांड्स की लिस्ट देता है कि मेरे पास Artisan के पास ये कमांड्स है जिनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर की जनरेशन के लिए है पीएचपी आर्टिसन, और अगर मुझे की जनरेट करनी है तो की कॉलन जनरेट, फॉर एग्जांपल पीएचपी आर्टिसन की कॉलन जनरेट, तो एप्लीकेशन की जो है वो सक्सेसफुली सेट हो गई। अब यहाँ पर अगर आप आकर दोबारा से देखें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पर एप्लीकेशन की मेरे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, की मेरे पास नहीं, ऊपर नहीं, दूसरी। अच्छा एक चीज कमांड एक तो ये है, एक और हमारे पास कमांड है पीएचपी आर्टिसन फॉर एग्जांपल। अब आपको कमांड्स की हेल्प चाहिए, अगर आप लिखते हैं हेल्प और फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ बहुत सारी अच्छा हम काफी सारी कमांड्स को देख लेंगे कब कहां पर कौन सी हमने यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कमांड, चलिए हेल्प, और मैं लिखता हूं माइग्रेट। अब माइग्रेट का एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ये करता क्या क्या है और इसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये तमाम इस कमांड की हेल्प और इसके जो स्विचेस हैं ऑप्शंस जो हैं वो तमाम की हेल्प आपको दे देगा ये आपकी कमांड पीएचपी आर्टिसन। ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे, लारावेल के अंदर अगर भी आपको आर्टिसन वाली चीजें समझ में आ जाती है तो आपको लारावेल समझ में आ जाएगा, अगर ये आर्टिसन समझ में नहीं आता या इसका बेनिफिट या इससे फायदा लेना आप नहीं जानते तो फिर आप लटक जाएंगे, फिर ये आपके लिए काफी टफ साबित होगा। अगर आपको आर्टिसन समझ में आया तो लारावेल आपको आसान और चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं समझ में आता तो मुश्किल हो जाएंगी।
ठीक है, और इतना कोई मुश्किल ये है नहीं, चीजें आपको सिर्फ चेक करनी है और हेल्प देखनी है कि जी अच्छा इससे ये हो सकता है, तो रादर देन डू इट योर सेल्फ आप इस आर्टिसन को यूज करते हुए, एक तरह से समझ रोबोट है जो आपके लिए काम करेगा, आप इसको बोले भाई ये काम करना है, जो जो काम इसकी कैपेसिटी है और ये अच्छे खासे काम परफॉर्म कर देता है, यानी कि आपको कोड बहुत कम करना पड़ेगा किस तरह से वो भी हम देखते रहेंगे। तो अगर किसी कमांड की आपको हेल्प देखनी है तो PHP आर्टिसन हेल्प और उसके बाद वो कमांड का नाम, ठीक है, क्लियर है यहां तक? वो भी अभी हम देख रहे हैं, उस पर भी आते हैं। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसकी फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हमने जहाँ काम करना है वो हमारी लोकेशन है इस ऐप के अंदर। अच्छा एक चीज मैं यहाँ ऐड करता चलूँ, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है प्लस कोडिंग स्टाइल जो है वो 4.2 का अलग है, ठीक है, 5.0 का अलग है, 5.1 में अलग है और 5.2 में भी अलग है, यानी कि इन्होंने हर वर्जन में फोल्डर स्ट्रक्चर को भी और कोडिंग का जो जो तरीका कार था उसको भी छेड़ा है। यानी ऐसा नहीं है कि जो कमांड 4.2 में चलती थी वो अब 5.0 में भी चले, या जो 5.0 में चल रही थी वो 5.1 में भी चले, और जो 5.1 में थी वो 5.2 में भी चले, मतलब इन्होंने काफी चेंज करते जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कमांड मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ एग्जैक्टली वही कमांड आपके पास भी चल जाए, अगर आपका वर्जन सेम है तो चलेगी, लेकिन अगर वर्जन आगे पीछे है तो वो कमांड नहीं चलेगी। लाइक मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, PHP आर्टिसन और हमारे पास 4.2 में माइग्रेट मेक चलता था, अब यहां नहीं चलता, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि इन वर्जन्स में आए, तो आप जब जो भी वर्जन यूज करें उसकी और एक अच्छी चीज ये है कि इन्होंने हर चीज को बहुत प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया है, ईच एंड एवरीथिंग इज बहुत बहुत अच्छे तरीके से हर चीज डिफाइन है, ठीक है, तो उसकी आपको परेशानी होगी नहीं। लेकिन मेक श्योर कि जो आप जिस वर्जन को यूज करें उसी की कमांड्स को या उसी के कोडिंग पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुसीबत है अभी तक लारावेल, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स इस पे एतराज करें कि आप कमांड्स को एटलीस्ट चेंज ना किया करें, क्योंकि ये कमांड लाइन वैसे ही मुश्किल से ही याद होती है। अच्छा जी वापस आते हैं हम फोल्डर के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास ऐप के अंदर जहाँ बहुत सारे फोल्डर्स हैं, कंसोल है, इवेंट्स है, एक्सेप्शन है, HTTP, लॉग, जॉब्स, लिसनर, प्रोवाइडर्स और फाइनली एक user.php। इस एप्लीकेशन के अंदर हमने जहाँ काम करना है वो हमारा फोल्डर होगा ये HTTP, ठीक है, जहाँ पर हम बनाएंगे कंट्रोलर्स। एक मिडलवेयर है, ये क्या होती है, रिक्वेस्ट, ये क्या होती है, इंशाल्लाह सारी चीजें हमारे इस कोर्स को जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये आपको ये एटलीस्ट ये पूरा फोल्डर मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि इसमें कौन सी चीज क्या है और क्यों है और कब किसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर HTTP के अंदर, हमारे पास एक फाइल है roots.php की। अच्छा इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन के तमाम रूट्स को डिफाइन करते हैं कि जब हमारा XYZ URL हिट हो तो उस पे हमने नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, वो चीज हमारे पास इस root.php के अंदर डिफाइन की जाती है। लेट्स से इस वक्त यहाँ पर एक रूट डिफाइन है कि अगर स्लैश यानी कि रूट URL हिट हो लाइक दिस, तो रिटर्न करो एक फंक्शन, एक अनोनिमस फंक्शन इन्होंने कॉल किया, अगेन ये क्लोजर है, ये क्लोजर, ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, PHP का कोड है और ये क्लोजर को कॉल कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये क्लोजर ट्रिगर करो और इन्होंने यहाँ से रिटर्न किया एक वेलकम स्क्रीन। ये वेलकम कहाँ मौजूद है, यहाँ पर व्यूज नहीं है, अगर आप लोग कोऑर्डिनेटर या सिम्फनी के बैकग्राउंड से हैं तो उसके अंदर या किसी और फ्रेमवर्क से हैं तो उसके अंदर नॉर्मली होता है कि जहां पर हमारा कंट्रोलर मौजूद है उसी जगह पे व्यू भी मौजूद है और उसी जगह मॉडल भी मौजूद होता है,
ठीक है, लेकिन यहाँ लारावेल के केस में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने सिनेरियो को किया, लेकिन वो चीजें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी, आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये यहाँ पर इन्होंने एक व्यू लोड किया है। अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, इस व्यू को भी मैं बता देता हूँ व्यू कहाँ एग्जिस्ट करता है। व्यू जो है हमारे पास इस ऐप के अंदर मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर नीचे अगर हम आए तो यहाँ रिसोर्सेस के नाम का एक फोल्डर मौजूद है और यहाँ पर है व्यूज। इन व्यूज के अंदर ये रहा हमारे पास वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अच्छा यहाँ पर हमने डिफाइन किया था सिर्फ और सिर्फ व्यू का नाम, जो एक्चुअल व्यू का नाम है वो है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ब्लेड जो है वो लारावेल का एक टेम्पलेट इंजन है जो कि ये यूज करता है, ब्लेड टेम्पलेटिंग। वो किस तरह से काम करता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इंतहाई जबरदस्त और इंतहाई औसम है वो। इंशाल्लाह जब हम ब्लेड के ऊपर आएंगे तो उसको किस तरह से यूज करना है और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं उसको भी देख लेंगे। लेकिन हम एक्सटेंशन जब हम व्यू को लोड करते हैं तब हम एक्सटेंशन डिफाइन नहीं करते, ना कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक और रूट डिफाइन करना है, तो रूट कॉलन गेट। इस चीज का मतलब ये है कि जब भी मेरे पास कोई यूआरएल हिट हो तो तुमने क्या काम करना है, रूट डॉट गेट हमेशा आपके यूआरएल के हिट, यानी कि जो आपका यूआरएल हिट हो रहा है ये उसको पिक करेगा और इसके ऊपर नेक्स्ट प्रियम्प्टिव, नेक्स्ट जो एक्शन आप डिफाइन करेंगे ये उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, गेट जो है वो आपके यूआरएल को पिक करता है और किस यूआरएल पे आप हिट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ठीक है ये तो रूट के लिए था, अब मैं कहता हूँ कि जनाब जब लेट्स से हेलो हिट हो तो मैं एक एनोनिमस फंक्शन कॉल नहीं करवाता, मैं कहता हूँ मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा, ताकि हम कंट्रोलर भी बना लेंगे जी, कंट्रोलर बनाऊंगा फॉर एग्जांपल वेलकम, और इस वेलकम के अंदर मैं जो फंक्शन ट्रिगर करवाऊंगा जिसे हम सीआई में करते थे, हमारे पास एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हुआ करते थे और हर फंक्शन एक पेज को रिप्रेजेंट करता था, ऐसे ही था। ठीक है, इसी तरह से लारावेल के अंदर भी एक कंट्रोलर के अंदर जो मल्टीपल फंक्शंस हैं वो एक डिफरेंट, हर फंक्शन एक डिफरेंट पेज को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह बकिया फ्रेमवर्क्स में करता है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो। लेकिन यहाँ पे तरीकाकार क्या है कि मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि जब मेरे यूआरएल ये हिट हो, यानी कि कोई भी स्लैश हेलो लिखे, तो मेरे वेलकम कंट्रोलर का एट इंडेक्स फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, अच्छा ऑल्दो कि अभी हमारे पास ये वेलकम कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता, एचटीटीपी और कंट्रोलर्स, हमारे पास ये वेलकम कंट्रोलर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ये मेरा एक रूट डिफाइन हो गया, रूट डिफाइन करने का तरीका ये है। अच्छा अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्लैश हेलो, तो ये कहता है कि ये मेरे पास यूआरएल नहीं है। अच्छा ये इसने मुझे एरर देना था जो कि एरर नहीं दिया। अच्छा एरर क्यों नहीं दिया, इसकी वजह ये है, अच्छा हम पहले कंट्रोलर बना लेते हैं। अच्छा कंट्रोलर बनाने के दो तरीके कार हैं, कंट्रोलर इसको मिला नहीं। अच्छा कंट्रोलर बनाने का तरीका कार एक तो ये है कि मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करूँ खुद से, अगर मुझे कोड इसका याद है, यदि मुझे क्लास लिखनी है इसका नाम वेलकम देना है जो कि एक्सटेंड्स करेगा कंट्रोलर को, और इसके अंदर मुझे फंक्शन लिख दूँ फंक्शन इंडेक्स, सेम उसी प्रोसीजर के ऊपर जिस तरह से हम और फ्रेमवर्क्स में करते हैं, सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा, फर्क थोड़ा सा आएगा वो फर्क मैं बताता हूँ। और यहाँ से मैं करवाता हूँ रिटर्न हेलो वर्ल्ड और इसका नाम मैं देता हूँ वेलकम डॉट पीएचपी। एक तरीका कार तो ये है कि मैं जी कोड लिखूँ। अच्छा इससे पहले मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा नेम स्पेस। लारावेल जो है वो मेनली फोकस करता है नेम स्पेसेस पे, पैकेजेस के ऊपर।
नेम स्पेस हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हो गए हमारे पास नेम स्पेस ऐप। उसके बाद हमारे पास होगा HTTP, उसके बाद हमारे पास होगा कंट्रोलर्स, और उसके बाद हम यूज करेंगे, अच्छा स्लैश गलत दे रहे हैं, स्लैश ये वाला आता है यूज ऐप अगेन HTTP स्लैश कंट्रोलर्स स्लैश कंट्रोलर। या तो आप इस कोड को रट्टा लगाएं। अच्छा, अगर ये काम नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि आप अगेन आ जाएं इस कमांड लाइन के ऊपर, ठीक है? और कमांड लाइन पे आने के बाद आप लिखें PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम वेलकम। तो मैं पहले यहां से फाइल रिमूव कर दूं, या चले हम किसी और, वेलकम टू। तो कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है? अब मैं यहां पर आता हूं तो मेरे पास ये एक फाइल बन गई वेलकम टू। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो नेम स्पेस ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और उसके बाद इन्होंने यूज किया एक इसको, फिर दो तीन चीजें और लिखी हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसने बहुत सारे फंक्शंस खुद से क्रिएट कर दिए हैं, वेलकम टू एक्सटेंड्स कंट्रोलर, और इसने बहुत सारे फंक्शंस इंडेक्स क्रिएट शो स्टॉप इस तरह के कुछ फंक्शंस खुद से क्रिएट कर दिए जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं काम करता हूँ, इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि तो इतने सारे फंक्शंस मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, और इस फाइल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी? दोनों फाइल्स हो गई डिलीट। दोबारा से मैं यहाँ पर आता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, उसके बाद कंट्रोलर का नाम, और उसके बाद मैं देता हूँ माइनस माइनस प्लेन कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, एक और फाइल बन गई। और अब की दफा अगर आप देखें तो ये साफ सुथरा कंट्रोलर, इसमें कोई कचरा नहीं है, ठीक है जी? अच्छा, लेकिन इसने ये इस तमाम जो कोड आपको लिखने की ख्वाहिश पालनी थी वो इसने खुद ही लिख के आपको एक फाइल बना दी। इसको पता है कि ये फाइल की लोकेशन क्या होगी, तमाम काम इसने आपके लिए कर दिए। और यहां से हम अब करते हैं रिटर्न, मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। चलिए, ये अभी भी नहीं चलेगा, इसकी वजह क्या है? इंडेक्स नहीं है इसके अंदर, index.php। अच्छा जी, फेडरल एरर हमारे पास आता है रिटर्न। ओह सॉरी, फंक्शन इंडेक्स मैं इसको पब्लिक क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले तो हेलो वर्ल्ड ही लिखते ना, ठीक है जी? यहां तक तो कोई सवाल, कोई परेशानी? एक दफा इसको रिकैप करते हैं हमने क्या क्या किया, ठीक है? हमने सबसे पहले कंपोजर इंस्टॉल किया, कंपोजर के बाद हमने क्रिएट कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल कमांड चलाने के बाद उसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद स्टोरेज को और व्यूज को हमने 777 के राइट्स दे दिए, आपके पास फर्स्ट वेलकम स्क्रीन आ गई, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आर्टिसन जो ये इसका टूल है, हमने इसको यूज करते हुए एक PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम, और उसके बाद हमने दे दिया माइनस माइनस प्लेन, ताकि एक ब्लैंक फाइल कंट्रोलर क्रिएट होते, इसमें हम अपनी मर्जी के फंक्शंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? साथ में हमने एक और फाइल देखी जो कि एग्जिस्ट करती है मेरे पास, जो प्रोजेक्ट फोल्डर नेम ऐप के अंदर HTTP के अंदर roots.php, जिसमें ऑलरेडी ये रूट डिफाइन था एक, मैंने इसको हटाया था और मैंने अपना एक रूट डिफाइन किया, रूट कॉलन
डबल कॉलन गेट जो कि यूज होता है यूआरएल्स की वैल्यूज के लिए, यानी कि जो भी आपका यूआरएल हिट हो अकॉर्डिंग टू यूआरएल आपका ये एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि जी वेलकम का वेलकम कंट्रोलर नेम, एंड देन उसके बाद एट द रेट इस कंट्रोलर का इंडेक्स का नाम, सॉरी फंक्शन का नाम। ठीक है, जब आपका ये हेलो हिट होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये कंट्रोलर का फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा और जो भी उसमें काम कर रहे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी ये लाइब्रेरीज है जी, इसकी लाइब्रेरीज हैं, इल्यूमिनेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी है, एक ये लाइब्रेरी है, इसको इसने यूज किया है, इंक्लूड किया है एक तरह से। ठीक है, नेम स्पेस ये एक पैकेज है कंट्रोलर्स का, पैकेज पास था नेम स्पेस पैकेजेस। ठीक है, तो ये बेसिकली नेम स्पेस पैकेज है जिसको इसने पहले सबसे पहले डिफाइन किया कि मैं ये पैकेज यूज करूंगा, उसके बाद इसमें से इस तीन फाइल्स को इसने लोड किया। अच्छा, यहाँ पर फिलहाल हमें इन दोनों की जरूरत थी नहीं, यानी कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो भी ये कोड मेरा चल जाएगा। ठीक है, तो उसने कुछ ज्यादा ही लेकिन चलो ये है तो रहने दे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? आसान है अभी तक। अच्छा ये तो हो गया, हमने अगर कोई मैसेज डायरेक्ट इको करवा दिया, यकीनन हम मैसेज इको नहीं करवाएंगे, हम यहाँ से करवाते हैं व्यू। अब व्यू के साथ किस तरह से काम करेगा, तो व्यू के लिए डायरेक्ट हमारे पास यहाँ फंक्शन है रिटर्न, और आप यहाँ से करवा दीजिए रिटर्न व्यू, और व्यू को आप नाम दे दीजिए माय पेज। ठीक है जी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कहता है कि जी इनवैलिड आर्गुमेंट, जो फाइल आप दे रहे हैं व्यू माय पेज नॉट फाउंड। अच्छा ये इसका डीबगिंग का टूल हमने फिलहाल ऑन रखा हुआ है। अच्छा दो तीन चीजें और यहाँ पर मैं इनिशियली डिफाइन कर दूं, व्यू पे मैं अभी थोड़ी देर के बाद आता हूँ, एक पॉज ब्रेक। हमारे पास जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, मैं काम करता हूँ इस तरह से, यहाँ पर जहाँ बहुत सारे फोल्डर्स हैं यहाँ पर नीचे देखें बहुत सारी फाइल्स भी हैं, इसमें एक .env फाइल है, env एग्जांपल है, गेट एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा गेट को छोड़ दें, आर्टिसन फाइल में यही मौजूद है, कंपोजर और कंपोजर लॉक गल्प फाइल है, पैकेज पीएचपी स्पेक्स, और ये तीन चार फाइल्स यही रूट पे मौजूद हैं। अच्छा इन तमाम फाइल्स की अहमियत है इस फोल्डर के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर और इस फ्रेमवर्क के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सबसे पहली फाइल की जो कि है .env यानी कि एनवायरमेंट, इसको मैं ओपन करता हूँ, अच्छा जी ऐप एनवायरमेंट, इसमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन है जिसमें पहला है ऐप एनवायरमेंट जो कि डिफॉल्ट में डला हुआ है लोकल। अगर मैं इसको प्रोडक्शन कर दूं तो ये जो मेरे पास डिबगिंग के जो एरर्स आ रहे हैं ना, ये एरर्स आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारी कॉमन प्रैक्टिस है, आप लोग भी जानते होंगे कि हम प्रोडक्शन एनवायरमेंट में एरर्स वार्निंग्स नहीं दिखाते, हम डेवलपमेंट एनवायरमेंट में एरर और वार्निंग्स को ऑन रखते हैं, प्रोडक्शन एनवायरमेंट में कभी भी वार्निंग्स को ऑन नहीं रखते। तो ये लोकल है, लोकल मतलब आपका डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरमेंट है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं है, यानी कि जहां पर आप इस प्रोजेक्ट को लाइव डिप्लॉय कर रहे हैं, लाइव एनवायरमेंट नहीं है आपका। ठीक है, ऐप डीबग करनी है ट्रू, ऐप की जो हमारी वहां जनरेट हुई थी वो यहाँ पर डिफाइन हो गई, इसके बाद डेटाबेस की भी क्रेडेंशियल्स ये यहीं पे डिफाइन करता है। अच्छा
यहाँ पर कैशियर ड्राइवर भी यही रखता है, सेशन ड्राइवर भी यही रखता है, मेल अगर आपकी एप्लीकेशन ईमेल सेंडिंग यूज करी है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन से अगर कोई ईमेल सेंड होती है तो जो मेल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट वो ये अपने पास स्टोर करता है। और अगर आप यहाँ पर स्टोर ना करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे एनवायरनमेंट के अंदर अपनी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं रखनी, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें, या आपको कुछ कहेगा कि नहीं कि जी नहीं ये चीज यही डिफाइन होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को डिफाइन करने के और लोकेशंस भी हैं, लेकिन आसानी के लिए वो इन चीजों को मर्ज करके एक जगह पे लाके .env की फाइल में रख देता है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट भी चलती है। फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट किस तरह से चलेगी कि मेरे पास, मैंने कहा कि जी एप्लीकेशन एनवायरमेंट लोकल होगा और इसके अंदर मैं इसके पैरम सेट कर दूं अगर स्पेस देके, लाइक सिंफनी में जिस तरह से होता है, तो ये अब लोकल एनवायरमेंट में जो इसके पैरामीटर्स हैं तो ये लोकल पे चलेंगे, ये लाइव एनवायरमेंट में नहीं चलेंगे। इसी तरह से अगर मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर दूं एक और ऐप एनवायरमेंट में कहूं प्रोडक्शन और पैरामीटर यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉन्फ़िगरेशन दे दूं, तो ये प्रोडक्शन की कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली चल जाएगी। एनवायरमेंट वेरिएबल मुझे सेट करना पड़ेगा बस, और ये विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट वेरिएबल अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन उठा लेगा, यानी कि कोई इफ एल्स नहीं लगाना मुझे, कोई चेक नहीं लगाने, जो कि हम पहले करते थे कि अगर मेरे पास लोकल एनवायरमेंट है तो इफ की कंडीशन में मैं करता था, किस तरह से अगर आपको याद हो, इफ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर और हम यूज करते हैं HTTP अंडरस्कोर होस्ट, और हम लिखते थे कि अगर लोकल होस्ट है तो ये कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो ये कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। इस तरह के चेक्स लगाने की अब आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिफाइन कर दें और अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दें, वो कहाँ पर वो भी मैं बता देता हूँ, आपकी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट उठा लेगा। टेस्टिंग एनवायरनमेंट, आप तीन एनवायरनमेंट्स बेसिकली होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक हमारे पास होता है टेस्टिंग, तीसरा होता है प्रोडक्शन या लाइव एनवायरनमेंट, ठीक है, और हम तीनों को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। जी टेस्टिंग एनवायरनमेंट की कॉन्फ़िगरेशन अलग रखी जाती है, या अगर अलग है तो आप अलग डिफाइन कर दें, नहीं है तो ना डिफाइन करें, ठीक है। तो ये काम आप इस ENV की फाइल के अंदर कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो आप कहेंगे नहीं जी मुझे यहाँ डिफाइन ही नहीं करना, तो आप यहाँ से इसको उड़ा दीजिए। अच्छा, अब आपने डेटाबेस की, यहाँ से हमने क्रेडेंशियल्स को रिमूव कर दिया, अब हमें अगर डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करना है तो सिंपली हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पर है database.php, और अगेन ये एक रिटर्न एरे कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर देखिए ये एनवायरनमेंट वेरिएबल अगेन डिफाइन कर रहा है कि DB कनेक्शन या जो DB ड्राइवर होगा वो डिफॉल्ट जो डेटाबेस ड्राइवर होगा वो कौन सा होगा, MySQL, जिसने यहाँ डिफाइन कर दिया, और नीचे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये जो डेटाबेस को सपोर्ट करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसने यहीं पे दी हुई है, PGSQL है, SQL सर्वर है, और SQL लाइट है, और MySQL है, बाय डिफॉल्ट लारावेल इन चारों को सपोर्ट करता है डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और डेटाबेस को भी एज एक्सटेंशन यूज करना चाहें, लाइक DB2 या IBM का, अगर IBM DB2 यूज करना चाहें या MongoDB यूज करना चाहें या फॉक्स यूज करना चाहें, तो उसकी सपोर्ट भी इसमें है, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर इसके ड्राइवर्स में इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दूँ, लाइक होस्ट, डेटाबेस, यूजर नेम और पासवर्ड। मेरे पास यूजर नेम है रूट, होस्ट लोकल होस्ट ही है, डेटाबेस का नाम, अच्छा डेटाबेस हमने अभी कोई बनाया नहीं है, और हम ले लेते हैं टेस्ट। यूजर नेम हमारा है रूट और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, लेट्स इट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अंदर भी आप इसको चला सकते हैं, और आप डेटाबेस डॉट पी एच डेटाबेस के अंदर भी आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं।
खैर डेटाबेस में हम वापस आएंगे बाद में। बताने का मकसद ये था कि ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास इस जगह पर मौजूद हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्टली हिट करेंगे। अच्छा, ये कोड में आपको कहीं इंक्लूड होता है, ये फ्रेमवर्क का पार्ट है, इसलिए नॉर्मली बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं इसके इसके साथ भी। तो ईएनवी की फाइल के अंदर नॉर्मली जो एक कॉमन प्रैक्टिस है, आप डेटाबेस की इंफॉर्मेशन ना रखें, ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आप रख लें, लेकिन नॉर्मली लोग डेटाबेस की इंफॉर्मेशन रखने से थोड़ा सा घबराते हैं या कतराते हैं, तो बेहतर ये कि आप ना रखें, ठीक है, और इसको पीएचपी की फाइल में ही इसको डिफाइन करें। अच्छा, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप पीएचपी की फाइल यानी कि कन्फिग के अंदर डेटाबेस डॉट पीएचपी में डिफाइन कर भी देते हैं और आपने एनवायरमेंट वेरिएबल को नहीं सेट किया तो भी ये नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको रोल बैक कर दूं, चलो हम दोनों रख के देखते हैं, मैंने मेरे पास ये भी डिफाइन है, मेरे पास ये भी डिफाइन है, ठीक है, अभी हम डेटाबेस के काम करेंगे थोड़ी देर में, तो फिर हम देख लेंगे कि क्या इम्पैक्ट आएगा। बाहर ये दोनों चीजें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, क्लियर। अच्छा जी, वापस हम आते हैं अपने व्यू की जाने। अच्छा जी, मैं आ गया यहाँ पर अपने व्यू के ऊपर, माय पेज। अब ये पेज जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये पेज आपने क्रिएट करना है, और पेज आप क्रिएट करेंगे अगेन रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, और यहाँ पर आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी है, इट्स माय फर्स्ट पेज, माय पेज डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है, इसका एक्सटेंशन आपने ये देना होगा। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूं, ये इट वर्क्स, ठीक है जी। अच्छा जी, ये काम तो ये हो गया। दूसरा काम हमने ये करना है कि अगर मुझे कोई वेरिएबल इस पे पास ऑन करना है, इनके जिस तरह हम व्यू पे वेरिएबल्स को पास करते हैं, इसी तरह अगर मुझे यहाँ करना है, तो यहाँ पर वैल्यूज को पास करने के दो तीन तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके तीनों तरीके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ नेम, नाम बताए, ठीक है जी। अब मुझे इस व्यू के ऊपर इस वेरिएबल को पास करना है, तो पहला तरीका ये है, मैं लिखता हूं मेथड वन, कि व्यू रिटर्न व्यू माय पेज, इसके बाद आप लिखें विथ, और यहां पर आप पास करें वेरिएबल नेम कॉमा जो भी उसकी वैल्यू है नेम, ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप अपने इस पेज के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको इस नाम की एक वेरिएबल मिल जाएगा, जिसमें जो भी वैल्यू आपने यहां से पास की होगी वो यकीनन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को लारावेल के अंदर, पहला तरीका ये कि आप इस तरह से पास कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई सवाल, कोई परेशानी, कुछ समझ में आ रहा है? ये ऊपर ऊपर से गुजर, क्योंकि सब लोग सन्नाटे में या सो रहे हैं, अब्दुल्ला भी सो रहे हैं, ये हमारे भाई साहब भी सो रहे हैं, कुछ लग रहा है कि शायद मैं सुला नहीं रहा, दोरी दे सो जाओ, कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो प्लीज इसको यहीं क्लियर कर लें, क्योंकि ये चीजें जो एक दफा गुजरती जाएंगी, हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे चीजों को,
तो शायद दोबारा उनकी बारियां ना आए। थोड़ा सा हम आज ओवर भी ले लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से कुछ थोड़ी प्रॉपरली हम मजीद चीजों पे काम करना शुरू कर लेंगे। तो कोई सवाल है तो प्लीज यहीं क्लियर कर लें, क्योंकि दोबारा इस चीज की नौबत नहीं आएगी जो अभी हम कर रहे हैं। क्लियर है भाई? अच्छा ये तो हो गया, मैंने एक सिंपल एक वेरिएबल भेजा, अगर मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल भेजने तो क्या करूं? अब तुक्का लगा दें आप लोग, क्या करूं? एरर कर दूं, एरे भेज दूं? अच्छा क्या करूं बताएं, क्या कोड क्या लिखूं? एरे ले लिया मैंने, या चलें इसको नाम लेते हैं हम डेटा, और एरे ले लेते हैं, क्या करूं? चलें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है जी, और ये एरे पास कर दूं, क्या करूं विद जी? यहाँ बोलूं डेटा और यहाँ पे ये पास कर दूं, उस तरह से ऐसे कर दूं, तो ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल होगा ना? अब जब मैं वहां रिसीव करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे डेटा, और उसके बाद फर्स्ट नेम एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है मिल गया, लेकिन इससे आसान तरीका भी है। दूसरा आसान तरीका ये है कि जिस तरह हम सीआई के अंदर करते थे, rather than do this, इसको as a second parameter में pass कर दें, ठीक है? तो और अब आपको यहाँ पर data लिखने की ज़रूरत नहीं है, simple, direct pass में space last में, क्या कहते हैं भाई साहब, चलिए टी नहीं लगा, लगा हुआ तो ठीक है जी। एक और गड़बड़ है यहाँ पे, एक और जो हमें एडवांटेज, हम अब लारावेल के ऊपर ई को इस तरह से नहीं लिखेंगे। अच्छा ये शॉर्टकट सबको मालूम है, ये शॉर्टकट है? नहीं मालूम, कितनों को नहीं मालूम ये क्या है? रियाज आपको भी नहीं पता? चले, इसका मतलब ये है इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ या तो आप ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों बात बराबर, ठीक है? तो ये शॉर्टकट है, अगर आपने सिर्फ एक सिंपल वैल्यू लिखनी है तो इतना सारा लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बस काम हो गया, ठीक है सर? तो ये इसका शॉर्टकट है, ये इन बिल्ट इन था गालिबन 5.3 से। नहीं नहीं ये पीएचपी का फीचर है भाई, इसका लारावेल से ताल्लुक नहीं है, ठीक है? लारावेल में तो हम ये लिखेंगे ही नहीं, पहली चीज ये कि हम ये लारावेल में लिखेंगे नहीं, हम लारावेल के अंदर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है? हमने वो लिख लेंगे, ठीक है? अच्छा लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज कर रहे हैं, इसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एक एडवांटेज क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट नेम में देता हूँ, लेट से यहाँ वैल्यू देता हूँ स्पैन, और स्टाइल दे देता हूँ मैं कलर रेड, लेट सपोज डिटरमिनेशन भी लगेगा, ठीक है? सिंटैक्स में कोई मसला तो नहीं, स्पैन
जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आउटपुट मेरे पास ये स्पैन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेकिन ये एचटीएमएल टैग था इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए था और इसका कलर रेड हो जाना चाहिए था, रादर देन रेड ये मुझे वो पूरा यानी कि एचटीएमएल एंटिटीज करके दे रहा है मुझे, यानी कि इंजेक्शन जो हमारे पास क्रॉस साइड का जो खदशा था वो इस ब्लेड सॉरी जो ब्लेड टेम्पलेट इंजन है ये इसको ऑटोमेटिकली खुद से रिजोल्व कर देगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगानी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो वो रेड कलर ही चाहिए, मैंने इतनी मुश्किल से रेड कलर किया और ये रेड कलर नहीं दिखा रहा, तो आप डबल कर्ली ब्रैकेट्स की जगह ये दो हाइफन साइन भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी वेरिएबल को ही रीड करेगा लेकिन ये अब की दफा एचटीएमएल को एग्जीक्यूट कर देगा, उसको एचटीएमएल एंटिटीज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है एचटीएमएल एंटिटीज से क्या आप मेरी मुराद, क्लियर, ठीक है। तो अब आपके पास तीनों तरीके हैं, अब आप ब्लेड टेम्पलेट इंजन के अंदर इसकी जगह डायरेक्ट आप ये शॉर्टकट, ये तो पीएचपी का फीचर है ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लारावेल के अंदर ब्लेड इंजन को यूज कर रहे हैं तो रादर देन आप पीएचपी का टैग ओपन करें आप ये कर्ली ब्रैकेट से वेरिएबल्स की वैल्यूज को फेच कर लें गेट कर लें, ये ज्यादा आसान है, ठीक है यहां तक क्लियर। वो जब लूप चलाएंगे लूप पे भी मैं आऊंगा, लूप किस तरह से चलेगा वो भी मैं बताऊंगा, पैटर्न वही होगा जो अभी तक था, आपको अलग से कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी, सिर्फ हम लूप को चलाने के बाद फाइनली उसकी वैल्यू को कहीं जहां यूज करते थे ना वहां पे हम ये ब्रैकेट लगा देंगे, दैट्स इट। जी सर वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो बात वहां तो एचटीएमएल एंटिटीज यूज ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो एचटीएमएल ही डायरेक्ट प्रिंट कर देगा लाके, इसमें टर्मिनेट कर, इसमें टर्मिनेट नहीं लगता, आसानी है ना, ठीक है कोई परेशानी। अच्छा ये हो गया दूसरा तरीका वेरिएबल को पास करने का, कि आप अगर जिस तरह से हम कोडिंग लेटर में एज अ सेकंड पैरामीटर वेरिएबल पास कर देते थे आप इसको इस तरह से भी कर लें, या फिर तीसरा तरीका भी है, एक तीसरा तरीका क्या है चले एक ही वेरिएबल के साथ कर लेते हैं, तीसरा तरीका ये है आप इसके सेकंड पैरामीटर में पास करें कॉम्पैक्ट पैक फंक्शन और यहां पर आप इसको दे दें वेरिएबल का नाम, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि कॉम्पैक्ट सेकंड पैरामीटर में देते थे या ऑब्जेक्ट लगा के देते हैं इस तरह से, सर पहले ये ट्राई कर लेते ये नहीं चला तो वो। अच्छा अब मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ गेन एबिलिटी हाई और नहीं, जब ये चलेगा नहीं तो इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम अनडिफाइंड है ये बंद हुआ नहीं, एज अ सेकंड पैरामीटर आप इसी व्यू के अंदर कॉम्पैक्ट नाम का एक फंक्शन है और इसको आप वेरिएबल्स जो भी आपके इस स्क्रिप्ट के अंदर है वो कॉमा सेपरेटेड आप कॉमा पास करते हैं, ये करता ही है कि आपके इसी फंक्शन के अंदर इन वेरिएबल्स को ढूंढेगा, अगर इस नाम को कोई वेरिएबल उसको मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू उठा के ये इस व्यू के ऊपर पास ऑन कर देगा विद सेम नेम। तो मेरे ख्याल ये तीसरा तरीका मुझे थोड़ा सा निस्बतन आसान लगता है कि आप डायरेक्ट एरे भी नहीं बनाना पड़ता, आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं आपने सबको इकट्ठा किया कॉम्पैक्ट का फंक्शन लगा और उसको उठा के व्यू के ऊपर भेज दिया कॉमा सेपरेट करके, तो सारे वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली व्यू के ऊपर आपको एक्सेसिबल होते हैं, रादर देन के जी हम उसको एरे में डालें फिर उस सेकंड पैरामीटर में उसको पास करें सारे। बहरहाल जो आपको कन्वीनियंट लगे तीनों तरीके मौजूद हैं, जो आपको अच्छा लगे जो आपको आसान लगे। 50 के नाम, लेकिन 50 होते नहीं है नॉर्मली, 5, 6, 7, 8 होते हैं ज्यादा ज्यादा, आप एरे में करके कॉम्पैक्ट करके उसको उस तरह फेंक दो इस तरह मसला नहीं, ठीक है। बहरहाल तीनों तरीके हैं, अब जो आपको कन्वीनियंट लगे जो आसान लगे जिस पे आपका अच्छा लगे वो यूज कर लें।
अवेलेबल उन्होंने तीनों कर दी कि भाई ये तीनों तरीके मौजूद हैं, विद के साथ भेज दें, आप डायरेक्ट इस तरह से भेज दें, अगर आपको कॉम्पैक्ट अच्छा लग रहा है इस तरह कर दें, सेकंड पैरामीटर में पास करना है पूरा एरे बना के लाइक कोऑर्डिनेटर, अब उस तरह पास कर दें, तीनों फीचर्स मौजूद हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक लिए। अच्छा, टेम्पलेटिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई ये आपके पास रादर देन के जी हम इको और वो पीएचपी का फंक्शन यूज करें, आपके पास ये टेम्पलेट इंजन के अंदर ये तरीका कार भी मौजूद है, बेहतर ये है कि आप इसी को यूज करें। इसके बेनिफिट्स अभी आपको और इंशाल्लाह अगली जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको इसके एक्चुअल फायदे भी समझ में आ जाएंगे कि जी क्या फायदा है इसका। क्लियर, आगे चले। अच्छा जी, अगला काम ये है कि जी चले हमारा व्यू बन गया, ये सारे काम हो गए, अब हमें बनाना है डेटाबेस, ताकि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करें मॉडल की तरह से। ये हो गया कंट्रोलर, एक व्यू का काम हो गया, अब हमें नेक्स्ट काम करना है मॉडल, कि जी मॉडल कैसे बनेगा। मॉडल से पहले हमें डेफिनेटली डेटाबेस बनाना है। व्यू इसका आर्टिसन से नहीं बना सकते, कंट्रोलर बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, व्यू नहीं क्रिएट करते हैं नॉर्मली। अच्छा जी, अच्छा, अब लारावेल ये कहता है कि अगर आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है, चाहे वो टेबल क्रिएट करना हो, चाहे वो आपको कोई ऑल्टर की क्यूरी चलानी हो, चाहे रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, चाहे आपको रिलेशनशिप बनाने हो, ईच एंड एवरीथिंग डीबी रिलेटेड ऑपरेशंस जो भी आपने परफॉर्म करना है, आप उसके लिए डेटाबेस में डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर डायरेक्ट जंप ना करें, आप मुझसे कहें मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, यानी कि बीच में एक ये यूं समझ लें कि एक लेयर मौजूद है लारावेल की जो आपके लिए डेटाबेस के सारे काम परफॉर्म कर देती है। वो कहती है कि डायरेक्ट आप जाके, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये जो MySQL योग या PHP MyAdmin हम यूज करते थे फॉर टेबल क्रिएशन या टेबल ऑल्टर या डेटाबेस डिलीट करने के लिए, XYZ डेटाबेस रिलेटेड जितने भी काम हम परफॉर्म करते थे, वो जो भी काम हम परफॉर्म करते थे, वो कहता है कि भाई अब आप इस टूल को यूज ना करें, मुझे बताएं मैं कर दूंगा। अच्छा, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके लिए आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आप यूज करेंगे यहाँ पर अगेन PHP आर्टिसन। PHP आर्टिसन के साथ हम पहले एक बना, जिसका जो एक डिफॉल्ट है, ये एक डिफॉल्ट बनाता है माइग्रेशन का टेबल, जिसके अंदर ये अपनी डीबी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जो काम हम इससे डेटाबेस से रिलेटेड करवाएंगे, एक तरह से ये उसकी लॉग मेंटेन करता है। ठीक है, कि मैंने ये काम किया, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, मैंने एक टेबल क्रिएट किया, मैंने टेबल ऑल्टर किया, मैंने नया टेबल बनाया, मैंने टेबल के अंदर इंडेक्स क्रिएट किया, मैंने टेबल्स के साथ रिलेशन में जो जो काम हम परफॉर्म करते जाएंगे, ये तमाम के तमाम कामों को अपने पास लॉग करता है, और उस लॉग की बात पे हम उसको रोल बैक भी कर सकते हैं। भाई मैंने कोई काम किया, मुझे उसको रोल बैक करना, वापस करना है, तो अगेन मैं उस काम को रोल बैक भी कर सकता हूँ, वापस रिटर्न भी कर सकता हूँ, यानी कि एक स्टेप आगे जब जा रहा हूँ तो वापस पीछे भी आ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें अपने पास डिफॉल्ट, ये अपने पास एक टेबल क्रिएट करता है जिसका नाम रखता है ये माइग्रेशंस का। अच्छा, माइग्रेशन का टेबल क्रिएट करने के लिए अगेन आपको चाहिए PHP आर्टिसन, और इसके बाद आपको लिखना है मेक, और उसके बाद लिखना है माइग्रेट कॉलन इंस्टॉल, जो कि नहीं चलेगा। यकीनन नहीं चलना चाहिए था। अच्छा, एक कोई बता सकते क्यों नहीं चल रहा? अच्छा जी, हमारे पास डेटाबेस के अंदर भी, मैंने यहाँ डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं अपनी इस एप्लीकेशन के लिए, और मैं इसको नाम देता हूँ MySQL। ठीक है सर, डेटाबेस क्रिएट, सिर्फ एक ये DB क्रिएट करना पड़ेगा। क्या नाम दिया? MySQL। अच्छा, ये चीज यहाँ एनवायरनमेंट में भी डिफाइन है, ये होमस्टेड और सीक्रेट पासवर्ड लोकल होस्ट। ये जो इसने एरर दिया था, इसने कहा कि जी होमस्टेड यूजर एक्सेस डिनाइड फॉर होमस्टेड यूजर, ये यूजर हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिहाजा अब
आप चाहें तो यहीं पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन दे दें, लाइक मैं कर दे दूँ यहाँ पर माय सीएमएस यूजर नेम रूट और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, तो ये अब चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, मैं नहीं देना चाह रहा यहाँ पे, और अगेन मैं दोबारा चलाता हूँ पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट इंस्टॉल, तो ये माइग्रेशन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा जी, अब वापस आते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। टेबल्स में आता हूँ तो यहाँ पर देखें, एक टेबल इसने क्रिएट कर दिया जिसमें कह रहा है माइग्रेशंस, और इसके अंदर मेरे पास दो फील्ड्स हैं, एक माइग्रेशंस और एक है बैच नंबर, बैच। ठीक है जी, इसमें रिकॉर्ड किस तरह से आएंगे, क्या क्या होगा, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। ये क्लियर कि हमने क्या किया और क्यों किया? क्लियर है सर? कोई सवाल? अच्छा, इस प्रोसेस को एक दफा कोई रिपीट कर दे मेरे लिए, कि अभी जो हमने किया ना ये माइग्रेशन वाला काम, उमर क्या किया हमने स्टेप बाय स्टेप, क्यों की, वजह क्या थी? इसकी क्या जरूरत थी? कि लारावेल हमें ये कहता है कि भाई आप डीबी रिलेटेड काम खुद ना करें, मैं करूंगा, यानी कि मैं अब हूँ, आप कुछ ना करें, सब कुछ मैं करूंगा, आपसे कोई जरूरत नहीं काम वाम, तो सारे काम आप करें। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? टेबल बनाने से पहले हमने किया ये कि हमने डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स दे दिए, एनवायरमेंट डॉट ई एन वी की जो फाइल है, इस फाइल के अंदर अगर आप चाहें तो डिफाइन यहाँ भी कर दें। अच्छा, आपको यहाँ तो डिफाइन करना ही करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन यूज करेगी, लेकिन ये आपकी एनवायरमेंट की, ये भी एप्लीकेशन यूज करेगी, लेकिन ये इस जगह आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो डिफाइन कर दें, चाहे तो आप यहाँ से निकाल दें। ठीक है, तो हमने निकाल दिए, हमारी मर्जी, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमने निकाल दिया। अच्छा तो नहीं चले, ये एनवायरमेंट को प्रेसिडेंस देता है, पहले एनवायरमेंट वेल, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास डिफाइन था, लेकिन क्योंकि वो पहले एनवायरमेंट में ऑलरेडी वो रीड कर रहा था, लिहाजा उसने उसको प्रेसिडेंस दी, उसको रीड नहीं किया, लेकिन जब वो उड़ा दी उसने कहा अच्छा यहाँ नहीं है तो वहां से उठा लो, यहाँ पे डिफाइन थी जो मिल गई, जो कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई, तो उसने डीबी का इंस्टेंस जो है, सॉरी टेबल जो है वो क्रिएट कर दिया। क्या चीज? मैंने बताया ना, एनवायरमेंट के हिसाब से हम वहां पर रखते हैं ताकि हमें इफ एल्स ना लगाना पड़े। अब डेटाबेस के अंदर होगा क्या कि ये क्रेडेंशियल्स तो एक है, अब मेरे पास एक क्रेडेंशियल मैंने ये डिफाइन की, अब मेरे पास अगर लाइफ की डेफिनेटली क्रेडेंशियल्स चेंज होंगी, या तो मैं इसी में चेंज कर दूं, या मैं एक चेक लाऊं कि जी अगर लोकल होस्ट हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन उठाना, एल्स लाइव हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन उठाना। ठीक है, तो वो चीज आपको इस चीज से थोड़ी सी परेशानी से बताते हैं कि आपको ये इफ एल्स ना लगाना पड़े और डबल डबल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन ना करनी पड़े, तो वहां पर वो आपको आसानी देता है कि जी एनवायरनमेंट के हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर दें। किस तरह से, मैं आपको उसको सैंपल्स वगैरह दिखा दूंगा। जी नहीं, मतलब पार्टी चल गया, एक से ज्यादा करने हो तो आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको। जी कनेक्शन क्रेडेंशियल्स तो आप यही देंगे, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा डिफॉल्ट, यानी कि जो डिफॉल्ट है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, डीबी कनेक्शन माई सीक्वल एक और आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सेकंड या स्लेव कह ले, ये मास्टर होगा वो स्लेव होगा, या जो भी नाम देना चाहें, या डीबी टू या डिफॉल्ट टू या नेक्स्ट, जो भी आप की के अगेंस्ट, और उसको आप उठा के फिर उसके हिसाब से कन्फिग्रेशन डिफाइन करें। डिफॉल्ट जो इसका अपना बिहेवियर है वो यही है कि डिफॉल्ट डीबी कनेक्शन MySQL, आप इसको चेंज कर दो हमें से, एक साथ दो भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही फाइल पे नहीं, डेफिनेटली उसके लिए पेज अलग अलग होगा, यानी कि एक पेज है मेरे पास एबीसी डॉट पी एच पी, दूसरा पेज है एक्स वाई जी डॉट पी एच पी, तो दो अलग पेज है अगर इस तरह से हो, या एक ही पेज पे आपको दोनों चाहिए, अगर अलग अलग एक पे भी चाहिए तो चले क्लास के बाद पूछना, मैं बताता हूँ। ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमें अब कोई भी टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास अगेन यही पीएचपी आर्टिसन इस्तेमाल होगी। अच्छा, पीएचपी आर्टिसन से पहले हमारे पास ये जो वर्जन है, वर्जन 5. समथिंग है। हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी डेटाबेस नाम का एक फोल्डर मौजूद है जिसमें तीन टेबल्स मौजूद हैं। एक फैक्ट्रीज है, एक माइग्रेशंस है और एक सीड्स है। ठीक है जी, हम अभी फिलहाल जाते हैं माइग्रेशंस के अंदर। तो जब आप डिफॉल्ट वर्जन 5 को डाउनलोड करेंगे या 5 से ऑनवर्ड, तो ये डिफॉल्ट दो माइग्रेशंस ऑलरेडी यहाँ क्रिएटेड दिखाता है। एक है यूजर्स की, क्रिएट यूजर्स टेबल, और एक है रीसेट पासवर्ड की, क्रिएट पासवर्ड रीसेट टेबल। ये दो माइग्रेशंस ये ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखता है। तो हम कोई नई माइग्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लास यहाँ पर आई कैसे, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसके अंदर किया क्या जाता है उसको भी देख लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक माइग्रेशन बनाता हूँ, पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन। क्रिएट, हमें सीएमएस बनाना है तो क्रिएट पोस्ट टेबल। अच्छा जी, मैंने कमांड लिखी पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन मुझे क्रिएट करनी है और मैं उसका नाम दे रहा हूँ क्रिएट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, तो इसने क्रिएटेड माइग्रेशन, इस नाम से एक माइग्रेशन क्रिएट की और ये यकीनन मेरे पास आई है। अगेन इसी डेटाबेस के अंदर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, उसके अंदर डेटाबेस और उसके अंदर माइग्रेशंस, और यहाँ पर मेरे पास एक और नई फाइल बनी जिस नाम से इसने यहाँ पर मुझे दिखाया था 206.0103 2016 समथिंग समथिंग। और यहाँ पर ये देखें क्रिएट पोस्ट टेबल नाम की एक क्लास बनी जिसने एक्सटेंड किया है माइग्रेशंस को, जो कि इसका लारावेल का डिफॉल्ट एक क्लास है। और इसके अंदर इसने दो मेथड्स क्रिएट किए, एक बनाया है पब्लिक फंक्शन अप और एक है डाउन, और इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है। इसके अंदर बेसिकली हम डिफाइन ये करते हैं कि जब हमारी ये माइग्रेशन, यानी कि इसके अंदर हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि जी मेरे टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होगा, कि जी एक आईडी होगी उसकी यकीनन, कि हम पोस्ट का टेबल जो क्रिएट करेंगे उसमें एक आईडी होगी, पोस्ट का टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगी, फिर एक उसकी इमेज, चलें डेट होगी, तो इमेज बैनर भी कर देते हैं, इमेज होगी, फिर डेट होगी हमारे पास। फिर हमारे पास पब्लिश का फ्लैग होगा और टाइम स्टैम्प होगी। ठीक है, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास टेबल। अब ये इंफॉर्मेशन हम इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, पर्टिकुलरली इसके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, किस तरह से वो अभी हम करते हैं। और ये होगा काम अप में, कि हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए अपना स्कीमा डिफाइन करेंगे कि मेरे टेबल का स्कीमा ये होगा, जो कि अप में डिफाइन किया जाएगा। डाउन में क्या होगा, इसी का रिवर्स, यानी कि जो काम आप अप में कर रहे हैं, यानी कि टेबल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर आप काम करेंगे कि भाई मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा टेबल, वहां टेबल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप टेबल करूंगा, या वाइस वर्सा, जो ऊपर काम करें उसका उलट काम, रिवर्स काम आपने या डाउन में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्रिएट ऑल्टर की कमांड चलाते हैं, यानी कि टेबल को ऑल्टर करते हैं, उसमें क्या होगा कि आप एक कॉलम ऐड कर रहे होंगे अप में, और डाउन में उसी कॉलम को आप रिमूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे काम आपने करने अब यहां पर किस तरह से जी, लाजमी डाउन नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब देना लाजमी होगा।
नहीं तो वो एक ही दफा बनेगा भाई, क्रिएट टेबल एक ही नाम से एक ही टेबल बनेगा ना, बार बार चलाएंगे तो वो थोड़ी 25 टेबल थोड़ी बनाएगा, एक ही बनाएगा। ठीक है ज्यादा क्यूरीज हो सकती होंगे तो एक ही फंक्शन अपने लिखते रहेंगे मल्टीपल क्यूरीज या वो अलग अलग। अलग अलग लिखने और अलग अलग को आप एक साथ एग्जीक्यूट जरूर कर सकते हैं, किस तरह से वो अभी हम देख लेते हैं। अच्छा जी मैं आता हूँ यहाँ पर क्रिएट यूजर्स के टेबल के अंदर जो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। यहाँ पर मैं एक क्लास यूज, बल्कि इन्होंने एक डिफॉल्ट क्लास यूज किया है स्कीमा कॉलन क्रिएट, और यहाँ पर ये कहते हैं ये यूजर्स का नाम है, सॉरी टेबल का नाम है ये यूजर्स। ठीक है स्कीमा डॉट क्रिएट और उसके बाद यूजर, और उसके बाद अगेन इन्होंने एक एनोनिमस फंक्शन ट्रिगर किया है जिसको ये ब्लूप्रिंट टेबल पास कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट ना भी लिखें ये ऐसे भी चल जाएगा, आप समझ लें कि टेबल का पैरामीटर पास कर रहे हैं जो टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं हम। ठीक है अच्छा अब इसके फंक्शंस हैं, इंक्रीमेंट से मतलब हमारे पास प्राइम इंक्रीमेंट फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो टेबल की जो मैं जो भी पैरामीटर मुझे मिलेगा, लाइक यहाँ पर मैं यहाँ पर इन्होंने आईडी पास की है, ये इसकी प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी और इंटीजर होगी, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर, इसको पता है कि जी ये होगा तो ये एक टेबल क्रिएट करेगा यूजर्स के नाम का, उसमें एक कॉलम बनेगा आईडी के नाम का, वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, प्राइमरी की होगा और इंटीजर होगा, और एक पर्टिकुलरली उसकी एक लेंथ डिफॉल्ट लेंथ डिफाइन हो जाएगी 11 गालिबन। ठीक है इसके बाद ये कहते हैं कि जी नेक्स्ट एक और कॉलम होगा इसके अंदर स्ट्रिंग जिस नेम होगा, डिफॉल्ट लेंथ इसकी खुद से डिसाइड कर लेगा, इसी तरह स्ट्रिंग होगा ईमेल, और ईमेल को इन्होंने कहा है कि जी ये यूनिक होगा, यानी कि ये इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर यूनिक का, कि जी यूनिक कॉलम होगा। इसी तरह स्ट्रिंग अगर आप पासवर्ड लेंथ देना चाहते हैं तो नेक्स्ट पैरामीटर एक सैंपल के तौर पे उन्होंने दे दिया कि जी पासवर्ड की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 60 होगी, यानी कि इसमें वर्चर डिफाइन होगा 60 कैरेक्टर्स, लेंथ जो है वो 60 कैरेक्टर्स। अच्छा रिमेम्बर टोकन एक कॉलम ऐड होगा फ्लैग के तौर पे रिमेम्बर का, और टाइम स्टैम्प आपके पास क्रिएट होगी टाइम के जी क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, ये दो टाइम आपको देगा, वो कौन कौन से वो भी हम देख लेंगे। ठीक है उसके बाद यहाँ पर ये फंक्शन खत्म आपका। डाउन में क्या किया इन्होंने कि स्कीमा डॉट ड्रॉप और यूजर्स को ड्रॉप कर दिया इनके टेबल ड्रॉप, जब अप होगा तो टेबल क्रिएट हो जाएगा, डाउन में टेबल ही गया। इसी तरह रीसेट पासवर्ड के अंदर भी इन्होंने यूज किया है, तो हम एक काम करते हैं हम अपने पोस्ट का टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। एक मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सारे कॉलम्स यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। रोल बैक जी वो किस तरह होगा भी मैं बताया था। अच्छा जी मेरे पास ये होगा पोस्ट का टेबल, फंक्शन ब्लूप्रिंट दे देते हैं हम, यहाँ से हमने हटाया था इसको, ब्लूप्रिंट लगे रहने देते हैं। अच्छा आईडी हमने दे दी, इसके बाद क्या दिया था हमने टाइटल, उसके बाद हमारे पास था डिस्क्रिप्शन यूनिक, तो किरण नहीं होगी तो इसलिए हम यूनिक हटाए थे। इसके बाद क्या था इमेज, इसके बाद हमारे पास है डेट, अच्छा डेट और पब्लिश, नंबर टोकन हमें नहीं चाहिए, पब्लिश और क्या हमारे पास टाइम। ठीक है जी और इसी तरह से हम करते हैं स्कीमा डॉट स्कीमा कॉलम कॉलम ड्रॉप पोस्ट,
ठीक है जी, जब अप रन होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और डाउन के केस में आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमने तीन, अच्छा अब हमारे पास ये तीन माइग्रेशंस के, वापस आते हैं यहाँ पर, ये तीन माइग्रेशंस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वापस यहाँ पर और मैं लिखता हूँ PHP artisan make make migration, sorry, not enough arguments, missing name, हमने तो गलती की। सारी चला देगा, जितनी भी माइग्रेशंस मौजूद हैं इन सबको चला देगा, अगर ये ऑलरेडी नहीं चली तो। वो कैसे पकड़ेगा इन चीजों को ये मैं अभी बताया था। हमारे पास स्ट्रिंग पब्लिश सब चीजें तो ठीक, नहीं मैं कमांड गलत चला रहा हूँ। हमने लिखना है PHP artisan migrate, माइग्रेटेड मेक माइग्रेशन, तो हम वो माइग्रेशन पहले कमांड चला रहे थे। अच्छा दी, अब इस यहाँ पर देखेंगे, इसने कहा कि ये तीनों इसने टेबल्स जो है वो माइग्रेट कर दिए। अब अगर हम डेटाबेस के अंदर आए, वापस आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये तीन टेबल्स यहाँ पर क्रिएट हो गए यूजर्स का। इसके अंदर अगर आप देखें तो आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, created date और updated date। ये तो time is time का जो हमने function use किया था, इसने created और updated दो columns ये define करता है। इसी तरह से post का table बन गया हमारे पास, और इसी तरह password reset का बन गया। और अगर अब migrations का table में देखूं, तो देखिए जो migrations के नाम थे वो तमाम के तमाम यहाँ, वो उसने नाम यहाँ से pick किए, और उसको जब उसने एग्जीक्यूट कर दिया बैच वन, उसने कहा कि ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, वन इसका बैच वन था और ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं अगर इसी माइग्रेशन को रोल बैक करता हूँ, मैं स्टेटस देखता हूँ पहले तो कि माइग्रेट का स्टेटस क्या है, तो ये तीन माइग्रेशन यहाँ पर मौजूद है और वो कहता है कि ये तीनों रन हो गई रन, तो यस। अब मैं अगर इसको रोल बैक कर दूं, रोल बैक, अगर आप दोबारा से स्टेटस देखें तो वो कह रहे हैं कि ये तीन माइग्रेशंस मौजूद हैं और ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। और अगर आप इसका डेटा दोबारा से एक दफा फिर देखें तो ये ब्लैंक हो चुका है, ठीक है सर। कुछ समझ में आ रहा है कि ये काम एक्चुअल, आपने इसका फ्लो समझना है कि ये काम कर किस तरह से रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। हमने माइग्रेशन, अब इसको मैं दोबारा से एक दफा अगेन रीकैप, थोड़ा सा इधर आ जाए, समराइज कर लें रियाज।
हमने सबसे पहले काम किया पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और उसके बाद माइग्रेशन का नाम, यानी कि जो भी आपने टेबल क्रिएट करना है उसका नाम, ये नेम आपने दे दिया तो उसने एक माइग्रेशन क्रिएट कर दिया आपके पास कोड के अंदर, अंडर दी फोल्डर ऑफ डेटाबेस माइग्रेशंस। यहां पर आपके पास फाइल आ गया जिसमें आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक अप और एक डाउन। अप में आपने अपना क्रिएट स्कीमा है, जो भी आपने डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन करना था, क्रिएट ऑल्टर इंडेक्स क्रिएट करना, यही दो तीन काम है जो कि आप टेबल लेवल पे करेंगे, कि आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है या कोई इंडेक्स उसमें डिफाइन करना है। ऑल्टर करते हुए आप कोई कॉलम रिमूव कर रहे होंगे या ऐड कर रहे होंगे, यही तीन चार काम है जो आपने करना है। और उसका रिवर्स आपने डाउन मेथड में करना है। अगर आप क्रिएट टेबल कर रहे हैं तो ड्रॉप टेबल आप डाउन मेथड में करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप करें या ना करें, लेकिन जब आप रोल बैक चलाएंगे तो अगर डाउन मेथड उसको नहीं मिलेगा तो वहां पर वो आपको एरर देगा कि ये डाउन मेथड फला माइग्रेशन के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसको चला नहीं सकता। तो ब्लैंक छोड़ दें लेकिन डाउन का फंक्शन रखें जरूर। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद जब आपने ये माइग्रेशन के अंदर अपने टेबल स्कीमा डिफाइन कर लिया, इस स्कीमा को डिफाइन करने के बाद आपने चलाना है पीएचपी आर्टिसन और फाइनली माइग्रेट। आप जितने भी टेबल्स बनाते थे एक दफा यहाँ डिफाइन कर दें और उसके बाद सिर्फ ये माइग्रेट की टेबल बना दें, तो ये तमाम टेबल्स जो हैं वो आपके डेटाबेस के अंदर बन जाएंगे। और इस टेबल के अंदर इनकी एंट्री आ जाएगी माइग्रेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये माइग्रेशंस का टेबल ये काम कर रहा है कि जितने भी आप माइग्रेट करते जा रहे हैं डेटाबेस टेबल्स को, उसकी इंफॉर्मेशन उठाकर यहाँ पर रख रहा है। अभी तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, भाई हम डायरेक्ट इतना सरदर्द क्यों पाले, हम डायरेक्ट खुद भी तो कर सकते हैं भाई इस काम को, हम टेबल ही तो क्रिएट करना है, डायरेक्ट जाके कोड डिफाइन कर लें, इतना सरदर्द पालने की क्या जरूरत है कि मैं पहले माइग्रेशन बनाऊं उसके बाद उसके अंदर कॉलम डिफाइन करूं, इतनी मेहनत करने से अच्छा ही नहीं कोड टेबल क्रिएट कर लें। कोई बेनिफिट नजर आ रहा है इसका आगे होगा, मसलन क्या हो सकता है? हम सॉरी, अच्छा तो वो तो आप खुद भी जाके टेबल ड्रॉप करने में कितनी देर लगती थी, यहां से जगह चलो भाई कांगे डिलीट, अच्छा डिलीट ही नहीं आ रहा है, डिलीट बटन दबाया था, नहीं अभी बटन दबा रहा मैं, डिलीट हो जाएगा नहीं, थोड़ा सा और कुछ तो और सोचें, इससे भी बड़ा सोचें कि इससे हमें ये अचीव होगा। चलें कह सकते हैं कि ये फायदा होगा कि जी स्कीमा हमारे पास वहां मौजूद होगा अगर किसी तरह को खुदा ना खासा डेटाबेस में, लेकिन डेटा तो नहीं होगा ना, चलें स्कीमा होगा, हम स्कीमा से वापस एप्लीकेशन जो है वो बना लेंगे, चल जाएगी, डेटा ही आ जाएगा, डेटा भी आ जाएगा। और कोई फायदा? थोड़ा सा और बड़ा सोचें, है उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जितने भी ग्रुप में वो फड्डे उतने ज्यादा ही होंगे, तो आप कुछ भी कर लें, तो कोई भी फ्रेमवर्क ले लें, वो फड्डे उसी लेवल पे होंगे, भाई तुमने ये खराब किया, तुमने ये किया, तुमने कोड कमिट नहीं किया, जिस तरह हमारे गेट पे होता है भाई ये तुमने खराब किया, तो मैं मेरे पास तो चल रहा था, तो वो इससे फर्क नहीं पड़ता। सिम्फनी के अंदर हमारे पास आपने काम किया रियाज पे, गेटर सेटर भी बना देगा, दूसरा पूरा क्रेड जनरेट कर देगा। इस स्कीमा का फायदा ये है, इसी स्कीमा को देखते हुए, इसी इंफॉर्मेशन को लेते हुए, वो जब हम इस टेबल का पूरे पूरे क्रड्स बना देगा आपको, आपको खुद कुछ करना ही नहीं है। किस तरह से जब हम इसका मॉडल क्रिएट करेंगे इन्हीं माइग्रेशंस के ऊपर, तो उस मॉडल के अंदर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारे फंक्शंस इंसर्ट अपडेट डिलीट के वो खुद से इन कॉलम्स के हिसाब से गेटर सेटर इंसर्ट अपडेट डिलीट वो सब चीजें बना के आपको दे देगा, आपने सिर्फ उसको कॉल करना है, दैट्स इट, कोई काम करना ही नहीं होगा।
ठीक है, तो इसको बनाने का फायदा ये कि वो अच्छा उसको चाहिए कहीं से कि वो कॉलम्स को उठाए कि जी मुझे बनाना किस चीज का है, तो उसके पास ये स्कीमा यहाँ पर मौजूद है, उसने डिफाइन किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू दिस उसको पता है कि जी ये अगर मैंने स्ट्रिंग रखा है ना तो इसके बैक एंड में इसका मतलब क्या है, तो इसके हिसाब से उसके गेटर सेटर बनाना तो बनाएगा, तमाम चीजें आपको बना के ला के देगा, ये लो भाई और उसको यूज करो। बस आपको लारावेल के अंदर जीत आपकी तब है जब आपको इसकी लाइब्रेरीज का पता हो, आपको आर्टिसन इफेक्टिवली यूज करना आता हो, और लाइब्रेरीज को कब कहाँ किस तरह यूज करना है। तो कोड अगर निस्बतन बकिया फ्रेमवर्क की बात की जाए लाइक सीआई पीएचपी केक केक पीएचपी या फ्यूल पीएचपी, उसके निस्बत इसमें आपको 10 times कोड कम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको इसके तरीके से यूज करें तो मतलब यही काम हम स्कीमा नहीं कर, मैं भाई कोई सोचे क्या क्यों करूं मैं ये काम, पर डायरेक्ट टेबल क्रिएट कर लूं क्या, सर दर्द पालू सोचूं पहले तो। अच्छा इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं टेबल क्रिएट, अच्छा हमने तो अभी सिर्फ स्ट्रिंग बनाया है, हमारे पास डेसिमल बनाना है तो उसके लिए अब कौन फंक्शन याद रखे क्या करे भाई, इसकी एक दफा सिर्फ आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो गई, सारे काम हो गए, हमारे पास होम स्टेट आ गया, राउटिंग आ गई, कंट्रोलर एरर लॉगिंग आ गई, और हमारे पास स्कीमा बिल्ड, एडिंग कॉलम्स, स्ट्रिंग, ये आपके पास ये तमाम कमांड्स है, बिग इंटीजर, बाइनरी, बूलियन, करेक्टर, डेट, डेट टाइम, बिग इंक्रीमेंट, जो भी आपको डेसिमल डबल इनम फलाना दिमाका जो भी जो चीजें चाहिए वो तमाम की तमाम यहाँ डिफाइन है, आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है सर, मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफी है, एक काम जरूर कर लीजिएगा बराए मेहरबानी, घर जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, एक दफा इन तमाम चीजों को खुद से चला के देख लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मॉडल बनाते हैं, और मॉडल के बाद फिर फ्लो बनाना शुरू करते हैं छोटी सी एप्लीकेशन पर। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मॉडल देख लेंगे, मॉडल किस तरह से जनरेट, अच्छा मॉडल भी हम आर्टिसन से ही करेंगे, किस तरह से जनरेट होगा, कंट्रोलर में किस तरह से यूज होगा, एक फॉर्म किस तरह से बनेगा, वैलिडेशन किस तरह कितनी आसानी से होगी, सारे काम हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अच्छा नेक्स्ट क्लास में, बल्कि हम उससे पहले एक काम करेंगे, मॉडल फॉरन जनरेट करके हम इसका जो टेम्पलेट इंजन है ब्लेड, ब्लेड किस तरह से काम करता है और उसका बेनिफिट क्या है, कब कहाँ किस तरह उसको यूज करेंगे, पहले हम वो चीजें देख लेंगे और फिर मॉडल को साथ साथ देख लेंगे, उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दो तीन चीजें किए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज अंडरस्टैंड होते हैं फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, आज यहीं तक रखें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अच्छा कोड मुझसे मत मांगिए क्योंकि ये कॉपी होने में बहुत टाइम लगाएगा, ये मैं कोड अपलोड कर दूंगा एज अ जिप फाइल ग्रुप पे, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ, वीडियो ले लीजिए।